भारत में उद्भूत मूल धर्मों में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभ आदि पुरुष भगवान ऋषभनाथ से माना जाता है, जिनकी परंपरा में 24 तीर्थंकर। भगवान महावीर के पश्चात कालांतर में जैन धर्म की दो शाखाएं प्रमुख रूप से हुई, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले मुनि या साध्वी। दिगंबर परंपरा के अंतर्गत ये माना गया कि दिशाएं ही मुनियों का वस्त्र। इस दृष्टि से दिगंबर आचार्य निर्वस्त्र। प्रमुख दिगंबर जैन तीर्थ स्थलों में श्री संवेद शिखर जी, राजगिरी, पावापुरी, तिजारा, श्री महावीर जी, खंडगिरी, उदयगिरी एवं गिरनार जी आदि हैं। दिगंबर जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अष्ट धातु या संगमरमर की। सभी 24 तीर्थंकरों की आकृतियां प्रतिमा में समान दिखलाई देती हैं, लेकिन निर्धारित चिन्हों के द्वारा ये जाना जा सकता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की। मंदिरों में पूजा और अर्चना करने की एक विशेष विधि है। जैन मंदिरों के मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लगा होता है। मंदिर में प्रवेश करने वाला श्रद्धालु उस घंटे को बजाता है। घंटे को बजाने के साथ निःसही शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात तीर्थंकर की प्रतिमा के आगे 3 बार नमोस्तु 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 शब्द का उच्चारण किया जाता है। तत्पश्चात चावल भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ाए जाते हैं। चावल का प्रयोग करने के पीछे मुख्य दृष्टि ये है कि चावल एक ऐसा खाद्यान्न है जिसके दाने में जीव उत्पत्ति की फिर से संभावना नहीं रहती, इसलिए वह हिंसा को पूरी तरह त्याज्य करता है। जैन मतावलंबी अपरिहार्य हिंसा के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे किसी भी प्राणी को कोई कष्ट। जैनों के धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनका दूसरा नाम सूत्र है, जिन्हें अपने प्रवचन के अंतर्गत मुनि एवं आचार्य व्याख्यायित करते हैं। ये आगम 32 माने जाते हैं। तीर्थंकरों के उपदेश, शास्त्र सम्मत पूजा विधि और उनकी वाणी को समग्र रूप में जिन वाणी कहा जाता है। जिन अर्थात जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वे जिन या जिनेंद्र कहलाते हैं। जिनेंद्र के अनुयायी जैन है। सभी जैन मतावलंबी एक दूसरे का अभिवादन जय जिनेंद्र की ध्वनि के साथ करते हैं। जैन धर्म का मूल मंत्र है नवकार महामंत्र, जिसे नमस्कार महामंत्र भी कहा जाता है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं प्रेम का संदेश देने वाला जैन धर्म अपने मतावलंबियों को पूर्ण शाकाहार की शिक्षा देता है, लेकिन जो निरामिष भोजन है उसके अंतर्गत भी कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें भोज्य या खाद्य योग्य नहीं माना जाता। इनमें प्रमुख हैं बड़, पीपल, पाकड़, कटुंबर, गुलर, मदिरा, मधु, ओला, बैंगन, अचार, बर्फ, मक्खन एवं दही बड़ा आदि। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जैन मतावलंबी आम तौर पर जिनका सेवन नहीं करते। नमो अरहंताणं, अरहंत अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार। सिद्ध परम पद को प्राप्त भगवान हैं जिनकी आराधना की जाती है। आचार्य गुरु हैं जो व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। उपाध्याय धर्म को व्याख्यायित करने वाले श्रुतधर हैं जो धर्म को परिभाषित करते हैं। इनके अलावा इस लोक के समस्त साधु साध्वियों को वंदन करने का नाम है नमो लोए सब साहुना।